दोस्तों नमस्कार। बुधवार से एशिया कप शुरू हो रहा है और इस वक्त हम टीमों का आकलन कर रहे हैं एक एक करके, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी तीन टीमें। तो इसमें सबसे पहले आज हम भारतीय क्रिकेट टीम पर बात करेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हुए पांच पॉजिटिव्स आपको बताएंगे और भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े पांच नेगेटिव्स भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पॉजिटिव्स से शुरुआत, क्योंकि पॉजिटिव्स सुनने में अच्छा लगता है। अगर आप देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह फिट हो गए हैं, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम में एक खुशी का वातावरण है, क्योंकि तीनों खिलाड़ी टीम के बहुत ही भरोसे के खिलाड़ी हैं। केएल राहुल जहां बहुत ही, जिसे कहते हैं, विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों करने में निपुण है, क्योंकि विकेट कीपिंग में उन्होंने काफी संभावनाएं भी जताई हैं। जो पिछली तीन सीरीज हुई थी जो केएल राहुल ने खेली, वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेली और राहुल द्रविड़ का उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। श्रेयस अय्यर नंबर चार पर खूब रन बनाए हैं उन्होंने और जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, लंबे समय बाद उन्होंने T20 क्रिकेट में वापसी की है और उम्मीद करनी चाहिए कि वो यहां भी वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बड़ा पॉजिटिव जो भारतीय क्रिकेट टीम का है वो है तीन ऑलराउंडरों का टीम में होना, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। ये तीनों ऑलराउंडर हैं और इसमें आप शार्दुल ठाकुर को भी हल्का नहीं आंक सकते, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं तो वो शार्दुल ठाकुर ही हैं, जिन्होंने 52 विकेट चटकाए हैं और जरूरत पड़ने पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, नंबर 8 के एक भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात देखें, क्योंकि जडेजा और हार्दिक को लेकर कोई एनालाइज करना अलग से बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि दोनों की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। नंबर 3 पर आए तो नंबर 3 जो बड़ा पॉजिटिव है भारतीय क्रिकेट टीम का, क्योंकि 57 वनडे मुकाबले भारत ने खेले हैं, यानी एक्सपोजर भारत को खूब मिला है पिछले 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक। इसमें 34 जीत भी भारत के नाम रही हैं और 20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, 3 जो है मुकाबलों में कोई रिजल्ट नहीं निकला और भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल में वेस्टइंडीज को हराया, श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसको एक्सपोजर बहुत मिला है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। चौथी बड़ी बात, बैटिंग ऑर्डर भारत का बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिनका बहुत अच्छा औसत है, 68 रन प्रति पारी का उनका औसत रहा है इस साल और भारतीय खिलाड़ियों में सबसे अधिक है। विराट कोहली नंबर 3 पर जिन्होंने खूब रन बनाए हैं और नंबर 4 पर अगर आप देखें तो विराट कोहली वैसे अभी ICC की रैंकिंग में भी 9वें स्थान पर हैं और उन्होंने 39 मैचों में 1612 रन बनाए हैं 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। और उसके बाद श्रेयस अय्यर के वापसी के बाद काफी उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि उन्होंने काफी रन बनाए हैं नंबर 4 की पोजिशन पर। केएल राहुल फिट हो जाते हैं तो भारतीय टीम की बल्ले बल्ले और उसके बाद जडेजा और हार्दिक पांड्या पर बहुत उम्मीदें रहने वाली हैं। पांचवी भारतीय टीम की जो पॉजिटिव पहलू है भारतीय टीम का वो है कुलदीप यादव। जी हां, कुलदीप यादव टॉप 10 में आ गए हैं गेंदबाजों की सूची में, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और इस साल का अगर आप उनका प्रदर्शन देखेंगे तो उन्होंने काफी प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने चटकाए हैं इस साल में 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से, भरोसे के खिलाड़ी रहे हैं और जब भी कप्तान को जरूरत पड़ती है विकेट की वो कुलदीप यादव को बुलाते हैं और कुलदीप यादव भी निराश नहीं करते। तो अब वो स्पिन बॉलिंग में भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और पिछली बार जिस तरह से बाबर आजम को उन्होंने आउट किया, जिस तरह से कई महत्वपूर्ण उन्होंने विकेट चटकाए वो काबिले तारीफ हैं और 2019 से लेकर अब तक 33 विकेट उनके नाम रहे हैं। और ये है भारतीय टीम के कुछ पॉजिटिव्स। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो केएल राहुल की फिटनेस अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। हालांकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं नेट्स पर, लेकिन वो जिसे कहते हैं स्प्रिंट से लेकर तमाम चीजों को अभी उनको मनाही है, उसके लिए मना किया गया है। दूसरी कमजोरी जसप्रीत बुमराह के साथ भी फिटनेस वाली दिक्कत है। 10 ओवर क्या वो लगातार गेंदबाजी कर पाएंगे, तकरीबन एक साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वो 10 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। अब यहां ये भी देखना होगा कि क्या सेम इंटेंसिटी से वो तीनों, 2 या 3 स्पेल जितने भी स्पेल करते हैं, सेम इंटेंसिटी से क्या वो उस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे। लेफ्ट आर्म सीमर भारत के पास नहीं है, खैर चलिए ये इसको हम ना भी गिने, क्योंकि अब
चंद कुछ दिन पहले आपको लेफ्ट आर्म पेसर को पैदा नहीं कर सकते। विपक्षी लेफ्ट आर्म पेसर के सामने भारतीय बल्लेबाजी का लड़खड़ाना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, अफगानिस्तान देखें, इन सब टीमों में लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तो भारतीय बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि भारतीय पेस, भारतीय जो शीर्ष क्रम है, अक्सर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा जाता है। हाल में और उससे पिछले 3-4 साल में ये भारत की कमजोरी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली है। 4 साल क्या, 2017 से ये परेशानी लगातार चली आ रही है। इसके अलावा गेंदबाजों को बैटिंग करनी नहीं आती और बल्लेबाजों को बॉलिंग करनी नहीं आती, यानी लोअर ऑर्डर भारत का बहुत ही कमजोर है। और आलम यह है कि सिराज, शमी और तीसरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, तीनों को एक साथ खिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, प्लेइंग 11 में खपा पाना मुश्किल हो रहा है इसमें से, क्योंकि अगर आप नंबर 8 पर बल्लेबाजी चाहते हैं तो एक को बाहर बैठाना पड़ेगा, तो बहुत संभव है कि शमी को बाहर बैठना पड़े। ये भी भारत के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि तीन तेज गेंदबाज हैं लेकिन तीनों एक साथ खेल पाएंगे, इसको लेकर संदेह बना हुआ है, क्योंकि उससे बल्लेबाजी भारत की कमजोर हो जाती है, गहराई बल्लेबाजी की कम हो जाती है। तो ये है भारत के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।